अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, डिसीजन मॉडल्स और डिसीजन मेकिंग इन सप्लाई चेन मैनेजमेंट के साथ आपके लिए हाजिर हैं। यहाँ पे हम जो है वो अपने लास्ट सेशंस के अंदर बात कर रहे थे कि किस तरह से हम क्वालिटेटिव डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं अपनी सप्लाई चेन के अंदर। उसके अंदर हम मेथडोलॉजी की बात कर रहे थे इंटरप्रेटिव स्ट्रक्चर मॉडलिंग की। तो इंटरप्रेटिव स्ट्रक्चर मॉडलिंग जो है वो सबसे पहले हमें चीज़ों की इम्पोर्टेंस, फिर उनकी हायरार्की बनाने में मदद करती है, उनके रिलेशनशिप की स्ट्रेंथ्स बताती है, डायरेक्शन ऑफ द रिलेशनशिप बताती है। तो हमने अपने प्रीवियस सेशन के अंदर, इसके पार्ट वन के अंदर, हमने नंबर एक ये चीज़ डिस्कस की कि हमें जो लिस्ट ऑफ वेरिएबल है वो जनरेट करनी है, फिर हमें उसका कॉन्टेक्स्ट रिलेशनशिप बनाना है। फिर तीसरे नंबर के ऊपर हमने उनकी जो पॉसिबिलिटी या स्ट्रेंथ ऑफ रिलेशनशिप है वो देखनी है। फिर चौथे नंबर पे हमने एक्सपर्ट से उसके ऊपर राय लेनी है। पांचवें नंबर के ऊपर हमने उसकी जो इटरेशंस हैं वो देखनी है कि उसमें कोई चीज़ मिसिंग तो नहीं हो गई है। फिर छठे नंबर के ऊपर हमने उसके लेवल्स निकालने हैं, ठीक है। अच्छा, लेवल निकालने के बाद हमारे पास एक टेबल आ जाता है जहाँ पे हम तमाम के तमाम पॉसिबल रिलेशनशिप्स जो हैं वो उनको जीरो और वन से रिफ्लेक्ट करवाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे बात आ रही है नतीजे निकालने की तरफ। जब आप किसी एक वेरिएबल या इंडिकेटर या इशू को जो है वो रो वाइज जमा करते हैं, ठीक है, रो वाइज सब जमा करते रहें, रो वाइज सारे जमा करते रहें, तो ये रो वाइज जितने भी वन 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 होंगे वो सारे जमा हो जाएंगे और एंड पे एक मजमुआ आएगा। ये जो मजमुआ है, ये एक रो नंबर एक के सामने जो मजमुआ है, ये वेरिएबल वन की ड्राइविंग पावर है। क्या है? वेरिएबल वन की ड्राइविंग पावर है। मिसाल के तौर पे वो चार है, तो इसका मतलब ये है कि वेरिएबल वन की चार बटा पांच ड्राइविंग पावर है, यानी कि उसकी जो ड्राइव करने की, दूसरे वेरिएबल को धकेलने की ताकत है वो चार है। फिर हम रो नंबर टू के ऊपर आते हैं तो वहां पे उसका जवाब अगर दो है तो इसका मतलब ये है कि उसकी ड्राइविंग पावर टू है। फिर हम तीन के ऊपर आते हैं तो उसकी ड्राइविंग पावर अगर जीरो है तो इसका मतलब कि उसमें ड्राइव करने की पावर नहीं है। अच्छा, फिर आपको कॉलम वाइज जमा करना है, ठीक है, ऊपर से नीचे की तरफ। जब आप ऊपर से नीचे की तरफ जमा करते हैं तो दिस समेशन इज कॉल्ड द डिपेंडेंस पावर। तो जो वेरिएबल नंबर वन के कॉलम का नीचे मजमुआ होगा वो उसकी डिपेंडेंस पावर है। ये वो पावर है कि वो इतनी पावर में दूसरे वेरिएबल का मोहताज है या उनसे असर लेता है, ठीक है। फिर वेरिए आप इस तरह से कॉलम टू, कॉलम थ्री और कॉलम फोर का। तो अब हमने अगली चीज ये करनी है कि हमने एक दो तीन चार पांच वेरिएबल, फिर एक दो तीन चार पांच उनकी ड्राइविंग पावर के फिगर उठा लेने हैं और साथ एक कॉलम बनाना जिसमें इनकी डिपेंडेंस पावर लिखनी है, एक की, दो की, तीन की, चार की और पांच की। अच्छा, अब हमने हमारे पास आ गए वेरिएबल का कॉलम, फिर आ गया उसकी ड्राइविंग पावर और फिर उसकी डिपेंडेंस पावर का कॉलम। इसके ऊपर हमने बनाना है ग्राफ, ठीक है। अगर आप एक्सेल में ये काम करते हैं तो आप इन तीनों कॉलम को हेडर समेत सिलेक्ट करें और सिलेक्ट करके इंसर्ट में जाएं और इंसर्ट में ग्राफ को इंसर्ट करें तो वो आपके लिए ग्राफ बना देता है। और ये जो ग्राफ होता है ये अमूमी तौर पे, जैसे हम जब वो मतलब ये समझें कि ये पूरी स्क्रीन है, तो इस स्क्रीन को अगर हम चार हिस्सों में डिवाइड कर दें तो ये जो है वो इस तरह से ग्राफ बनाती है। और इस ग्राफ के होते हैं चार हिस्से, ठीक है। तो लेट मी यूज अ पेपर एंड क्लिप पेंसिल टू इलैबोरेट दिस। ओके, मैं जो है वो एक मार्कर, बोर्ड मार्कर ले आऊं आपको समझाने के लिए।
जी तो कुछ इस तरह से समझें जी, ये मेरे पास मतलब ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा कि ये पूरा ग्राफ है तो उसके चार हिस्से कर लें, ठीक है। तो ये देखिए इस तरह से, ब्राइटनेस बहुत ज्यादा होने की वजह से शायद आपको दिख नहीं रहा है यहाँ पे, ठीक है। एक मैं इसकी ब्राइटनेस थोड़ी कम कर दूँ, कुछ और इस्तेमाल करके देखते हैं जिससे आपको नजर आए। ठीक है, तो ये चले यहाँ पे कुछ अच्छा नजर आ रहा है। तो ऐसी सूरत में ये आपके पास जो ग्राफ बनता है ना, वो इस तरह से चार क्वाड्रेंट होते हैं। तो इसको हम कहते हैं क्वाड्रेंट वन, ये है जी आपका क्वाड्रेंट टू, ठीक है, और ये है आपका क्वाड्रेंट थ्री, और ये है आपका क्वाड्रेंट फोर, ठीक है। तो ये चार क्वाड्रेंट बन जाते हैं आपके पास। तो इसको आप फर्दर जो है वो ये जो साइड है आपकी, इस साइड के ऊपर ग्राफ के हम यहाँ पे लिखते हैं ड्राइविंग पावर, ठीक है जी, ये ड्राइविंग पावर है, और ये जो नीचे होती है इसके, ये डिपेंडेंस पावर है, ठीक है, ये ड्राइविंग पावर है, ये डिपेंडेंस पावर है। अब यहाँ पे ये देखें, अगर हम इस कॉलम के अंदर आते हैं तो यहाँ पे ये लो है, यहाँ पे हाई है, ठीक है, इसी तरह से यहाँ पे ये लो है और यहाँ पे हाई है। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम इस क्वाड्रेंट के ऊपर जाते हैं तो ड्राइविंग पावर भी हाई है और डिपेंडेंस पावर भी हाई है, ठीक है। तो ये एच और एच जितने भी होंगे वो यहाँ पे आएंगे, यानी कि हाई ड्राइविंग पावर, हाई डिपेंडेंस पावर, ठीक है। अच्छा, फिर अगर हम जो है वो क्वाड्रेंट नंबर वन के अंदर आते हैं तो इसमें ड्राइविंग पावर हाई है, ठीक है, और जो डिपेंडेंस पावर है ये लो है, यानी कि हाई और लो का ये कॉलम आ गया। फिर अगर हम जो है वो क्वाड्रेंट थ्री के अंदर आते हैं तो लो ड्राइविंग पावर है और लो डिपेंडेंस पावर है, तो ये एक हमारा क्वाड्रेंट थ्री आ गया। क्वाड्रेंट फोर के अंदर आते हैं तो हमारी डिपेंडेंस पावर हाई है और ड्राइविंग पावर लो है, यानी कि लो एंड हाई, ठीक है। अच्छा, अब जो क्वाड्रेंट नंबर वन है इसको हम कहते हैं आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, ठीक है जी, ये आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। ये जो आपके हाई और हाई डिपेंडेंस पावर और हाई आपकी ड्राइविंग पावर है, ये आपके लिंकेज वेरिएबल को शो करवाता है, ठीक है। फिर आपके ये जो क्वाड्रेंट नंबर फोर है जिसमें लो ड्राइविंग पावर और हाई डिपेंडेंस पावर है, ये डिपेंडेंट वेरिएबल्स को शो करवाता है, ठीक है। अच्छा, ये जो क्वाड्रेंट नंबर थ्री है तो इस क्वाड्रेंट के अंदर क्योंकि ड्राइविंग पावर भी लो है और डिपेंडेंस पावर भी लो है, तो जो वेरिएबल यहाँ पे फॉल करते हैं उसका मतलब ये है कि उस कॉन्टेक्स्ट ऑफ स्टडी के अंदर उनका कोई यहाँ किरदार नहीं है, तो हम इनको कहते हैं ऑटोनोमस, ऑटोनोमस, ठीक है जी, ये ऑटोनोमस वेरिएबल है। ऑटोनोमस से ये मुराद है कि इन वेरिएबल का इस कॉन्टेक्स्ट ऑफ स्टडी के अंदर कोई अहम किरदार नहीं है। तो यहाँ पे हमारे पास एनालिसिस के लिए एक जो है वो क्वाड्रेंट निकल आते हैं, यानी कि इसको हम जो है वो मिक मैक एनालिसिस भी कहते हैं, ठीक है। ये जो भी मैंने क्वाड्रेंट आपके लिए बनाए हैं, दिस इज आल्सो कॉल्ड मिक मैक मैट्रिक्स, तो मिक मैक एनालिसिस भी कहते हैं इसको। तो ये जो मिक मैक एनालिसिस है, अब ये हमें बता रहा है कि कौन से वेरिएबल जो हैं वो उनकी डिपेंडेंस पावर ज्यादा है, कौन से वेरिएबल हैं जिनकी ड्राइविंग पावर ज्यादा है। तो हमारे पास एक ऐसी सिचुएशन बन जाती है कि जहाँ पे हमें ये पता चल जाता है कि अब देखो, जब हमने बात शुरू की थी तो हमारे पास इस एग्जाम्पल में छह वेरिएबल थे और हमें ये कतन नहीं पता था कि इनमें से कौन सा वेरिएबल ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, कौन सा वेरिएबल ज्यादा मुतासर करने वाला है, कौन सा वेरिएबल ज्यादा मुतासर होने वाला है, उनका आपस में रिश्ता क्या है, रिश्ते की स्ट्रेंथ क्या है, हमें कतन इस चीज का नहीं पता था, ठीक है। और कौन सा ऐसा कोई वेरिएबल है जिसका हमारे जो एरिया ऑफ कंसिडरेशन है उसमें ताल्लुक ही कोई नहीं है, हमें इससे पहले ये नहीं पता था। जब हमने इस मेथोडोलॉजी को अडॉप्ट किया है तो हमें फिर पता चल जाएगा कि हमारा
कौन सा वेरिएबल डिपेंडेंट वेरिएबल है, कौन सा वेरिएबल लिंकेज है, कौन सा इंडिपेंडेंट है और कौन सा ऑटोनॉमस है। अच्छा, जो वेरिएबल इस तहकीक के बाद या इस मेथोडोलॉजी को लगाने के बाद ऑटोनॉमस निकल आए, हमने फर्दर उनकी बात करनी ही नहीं है, गेम खत्म। ठीक है, जो भी वेरिएबल उसके अंदर आ जाए ये। फिर उसके बाद जो डिपेंडेंट वेरिएबल है, यानी कि वो असर लेते हैं, असर करते नहीं है, असर लेते हैं। अब ये इन वेरिएबल के ऊपर अगर हम डिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर बात करते हैं, इसका मतलब कि डिपेंडेंट वेरिएबल पे अगर हम कोई काम करेंगे तो वो इन्फ्लुएंस होगा। ठीक है, क्योंकि वो डिपेंडेंट वेरिएबल है। लेकिन ये डिपेंडेंट वेरिएबल कौन से डिपेंडेंट वेरिएबल है? ये डिपेंडेंट वेरिएबल इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है उनके साथ इनका रिलेशनशिप है। यानी कि अगर हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर किसी किस्म का कोई असर अंदाज होते हैं, कोई काम करते हैं, तो ये इंडिपेंडेंट होने की वजह से, आजाद होने की वजह से वो असर नहीं लेंगे। ठीक है, अगर हम डिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर कोई एफर्ट करते हैं, कोई स्ट्रगल करते हैं, तो इन पे असर आएगा। अच्छा, इन पे जो असर आएगा वो असर लिंकेज वेरिएबल के थ्रू इंडिपेंडेंट वेरिएबल पर असर करता है। ठीक है, अच्छा, फिर हम लिंकेज वेरिएबल की बात करते हैं। लिंकेज वेरिएबल वो वेरिएबल होते हैं जिनकी ड्राइविंग पावर भी ज्यादा होती है, डिपेंडेंस पावर भी ज्यादा होती है। तो हमारी ये कोशिश होती है कि हम लिंकेज वेरिएबल में से उनकी ड्राइविंग पावर या डिपेंडेंस पावर को छेड़ के या इन्फ्लुएंस करके या तो उसको इंडिपेंडेंट में ले जाएं या फिर उसको निकाल के डिपेंडेंट वेरिएबल के अंदर ले आएं। उसकी वजह ये है कि जब हम डिपेंडेंट वेरिएबल पे कोई भी काम या एफर्ट करते हैं तो उस एफर्ट का नतीजा अल्टीमेटली हमारे जो है वो लिंकेज वेरिएबल पर जाता है। तो यूं हमें जो है वो इस चीज़ का अदराक हो जाता है, इस चीज़ की समझ आ जाती है कि जी अगर हमने जो है वो कोई 20-25 हमारे पास जो है वो वेरिएबल या इंडिकेटर्स हैं जिनके ऊपर हम काम कर रहे हैं और हमें कोई नहीं पता चल रहा यार इनमें से सबसे अहम कौन सा है, पहले किसको पकड़ा जाए तो हम चीज़ों को संभाल सकते हैं। मतलब ये सॉर्ट भी करता है, ये ऑर्डर भी लगाता है, ये हायरार्की भी बनाता है, ये उसको एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी दे देता है और उनकी स्ट्रेंथ्स को भी शो कर देता है ये तरीकाकार। तो इसमें इब्तदा में अगर हम जो है वो 25 वेरिएबल लेके आए थे तो हम सबको अहम समझ रहे थे या सबको गैर अहम समझ रहे थे, तो ISM की मेथडोलॉजी लगाने के बाद हमें फिर ये पता चल जाता है कि इनमें से सारे एक जैसी अहमियत के हैं या नहीं है। ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि सारे के सारे वेरिएबल एक ही लेवल पे निकल आए। ठीक है, लेकिन अमूमी तौर पे ऐसा बहुत कम होता है, बड़ा रेयर होता है। हर वेरिएबल की अगर सही एक्सपर्ट ने उसको असेसमेंट किया है, हर वेरिएबल दूसरे वेरिएबल से कमोबेश आगे पीछे जरूर होता है। फिर बात यह आती है कि ये जो क्वाड्रेंट मैंने आपके लिए बनाया, ये स्केल सेंट्रिक था, यानी कि मैंने पूरे स्केल को 4 बराबर हिस्सों में तकसीम कर दिया। अब कभी कभी ये भी पॉसिबिलिटी होती है कि ये स्केल सेंट्रिक नहीं होता है। ठीक है, मिसाल के तौर पे सभी के सभी जो वेरिएबल हैं उनकी ड्राइविंग और डिपेंडेंस पावर 15+ निकल आती है। ठीक है, तो फिर जो लो है वो कहाँ जाएगा? वो तो सिरे से ख़त्म हो जाएगा। तो फिर ऐसी सूरत में हम ये करते हैं कि हमारे जो वेरिएबल हैं हम स्केल सेंटर की बजाय वेरिएबल सेंटर कर देते हैं, पावर सेंटर कर देते हैं या लॉजिकल कर देते हैं, कि जो मतलब 18 से 20 के वेरिएबल हैं उनको हम जो है वो लिंकेज में ले जाते हैं, जो बाकी के हैं उनको दूसरे क्वाड्रेंट्स के अंदर जब वो नीचे लेयर आउट कर देते हैं। तो इस तरह से हमें बड़ी आसानी के, देखो रिसर्च का या तहकीक का एक तरीकाकार जो चलता है जिसमें हम पहले से फ़र्ज कर लेते हैं कि ये वेरिएबल इंडिपेंडेंट है, ये डिपेंडेंट है, ये मीडिएटिंग है, ये मॉडरेटर है, ये लिंकेज है, वो मेरी नज़र में इस मेथडोलॉजी के मुताबिक मतलब बाइस्ड होता है। आप पहले से ही फ़र्ज कर लेते हैं कि ये चीज़ ये है। ठीक है, जबकि जब आप ISM की मेथडोलॉजी को लगाते हैं तो उसमें सबसे बेहतरीन बात ये समझ में आती है कि बड़ा न्यूट्रल होकर आप काम करते रहते हैं, आपको खुद भी नहीं पता होता कि इसमें से कौन सा लिंकेज है, कौन सा डिपेंडेंट है, कौन सा इंडिपेंडेंट और कौन सा ऑटोनॉमस है। ठीक है, मतलब इसमें जो रिसर्चर की तरफ से बायसनेस है टुवर्ड्स दी चॉइसेस ऑफ वेरिएबल और इंडिकेटर्स या डिसीजन पैटर्न है वो नहीं हो पाती है। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे वसीम कादरी का क्वेश्चन है, डिपेंडेंट वेरिएबल पे हम अगर कोई और वेरिएबल अप्लाई करते हैं तो इस पे क्या इफेक्ट होगा या नहीं? देखो, नाम से जाहिर है डिपेंडेंट वेरिएबल, तो इसका मतलब ये है कि अगर हम डिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर काम करते हैं तो वो असर लेता है। ठीक है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल असर नहीं लेता है बाहर से किसी का। वो क्या करता है, वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, उसकी ड्राइविंग पावर ज्यादा है। ठीक है, वो बाकियों को ड्राइव करता है, बाकियों को धकेलता है, बाकियों से असर नहीं लेता है। ठीक है, जबकि जो डिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं ये असर ही असर लेते हैं, असर करने की सलाहियत बहुत कम रखते हैं।
जी, एनी अदर क्वेश्चंस? जी, एनी अदर क्वेश्चन? Any other questions and queries? चलिए, तो अब इसका जो तीसरा जो हिस्सा है हमारा आज के एजेंडा आइटम का, वो ये है कि पहले हमने बात की कि किस तरह से हम इसके ऊपर क्वालिटेटिव डेटा कलेक्शन करेंगे, उसको एनालाइज करेंगे। दूसरे हिस्से में हमने बात की किस तरह से हम इसको जो वो मिक मैक एनालिसिस के अंदर कन्वर्ट करेंगे, और किस तरह से उस मिक मैक एनालिसिस को जो है वो हम इंटरप्रेट करेंगे, और किस तरह से हम उन वेरिएबल या एलिमेंट को समझेंगे और उसके ऊपर अमल दरामद करेंगे। ठीक है, तो जो हमारा तीसरा हिस्सा है जिसे हम जो है वो ISM यानी कि इंटरप्रेटिव स्ट्रक्चर मॉडल कहते हैं, यानी कि जो मॉडल बनेगा, जो हायरार्की बनेगी वो है। तो इंटरप्रेटिव स्ट्रक्चर मॉडल की जो हायरार्की है, इसके लिए हम जो है वो अपने सेशन 3 को कंटिन्यू करते हैं। इस सेशन के लिए अल्लाह हाफिज। सेशन 3 में हमें ज्वाइन करें ताकि हम जो हायरार्की है ISM की, इंटरप्रेटिव स्ट्रक्चर मॉडल की, उसको बना सकें। थैंक यू वेरी मच फॉर स्टेइंग ट्यून। अल्लाह हाफिज।